लड़कियों के साथ शॉपिंग करना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत का काम होता है। मुसीबत? लड़की बीवियों में तुम्हारी? एक तो इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आते हो, ऊपर से बकबक करते हो। ओके आई एम सॉरी, रिलैक्स, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, जस्ट कंट्रोल योर इमोशंस। भाई वो दुकान का है जहाँ हर समस्या का समाधान होता है, इसी मॉल में है ना वो दुकान? वाओ प्रीतम, ये साड़ी देखी है, कितनी अच्छी है। है पर क्या सुंदर नहीं है? ठीक है लेकिन तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। नॉटी फ्लर्ट, बीवी से फ्लर्ट करते हो। चलो पैसे निकालो, आज मैं तुम्हारा बहुत खर्चा कराने वाली हूँ। जान मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? मेरे लिए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं? ये नहीं भैया, वो ग्रीन वाली। जान हाँ? सच में जेब खाली कराओगी क्या? शरद सुनो हाँ? तुम शॉपिंग करो, मैं दो मिनट में आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? बस दो मिनट, दो मिनट। शरद हाँ? शरद हाँ? कैसा है यार तू? और बता कहाँ है तू? ये क्या हालत बना दी तूने अपने आप की? हाँ क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जाना है? कहाँ जाना है? मुझे वो दुकान ढूंढनी है। तू जानता है वो दुकान कहाँ है? कौन सी दुकान ढूंढ रहे है तू? इससे पहले कि वो लोग मुझे ढूंढे, मुझे वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी यार। कौन लोग तुझे ढूंढ रहे शरद? तू नहीं समझेगा यार। अरे लेकिन क्यों नहीं समझूंगा मैं? कम से कम समझाने की कोशिश तो कर। मैं तुझे कुछ नहीं समझा पाऊंगा, मुझे वो दुकान ढूंढनी है। कौन सी दुकान? तू क्या बात कर रहा है? मैं कुछ नहीं समझा। कैसे हो शरद, जाने की तैयारी पूरी हो गई क्या? अब तो हम रोज मिलेंगे। क्या हुआ शरद, तू इतना डरा हुआ क्यों? ये कौन था? कौन है ये? चंद्रकांत। ये चंद्रकांत था। था मतलब? नाम बदल लिया क्या उसने? इस आदमी की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी, एक्सीडेंट में ये मारा गया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है? तू कह रहा है कि ये आदमी मरा हुआ है? हाँ। तो ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझसे पूछ रहा था कि चलने की तैयारी हो गई, मुझे जल्द से जल्द वो दुकान ढूंढनी पड़ेगी, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जाना है। अरे क्यों वक्त कम है? तुम शरद नहीं, शरद शरद बात क्या है? शरद शरद कुछ नहीं, मेरे कॉलेज का दोस्त था। ओके। पता नहीं उसे क्या हो गया, he's just acting weird. Anyways, तुम्हारी शॉपिंग होगी? हाँ, मेरी शॉपिंग हो गई। शरद, ये कैसे हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। हाँ शरद बोल, बात क्या है शरद? वो शरद किसने किया ये? नहीं शरद,
करण, अच्छा वो तुम आ गए। Are you okay अनीता? क्या बात है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली बुलाया? करण बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? प्रीतम कहाँ है? अंदर है, कमरे में। कमरे में? लेकिन बात क्या है? उनकी हालत बहुत खराब है करण। बीमार है? पता नहीं, कुछ तो हुआ है उन्हें। ये कैसी आवाज थी? प्रीतम की है। खुद को बंद करके बैठे कमरे में, ना बात करते ना बाहर आते हैं। बाहर आती है तो उनके सिर्फ दर्द भरी आवाजें। घबरा मत, प्रीतम प्रीतम मेरी आवाज सुन रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं करण यार तुम्हारा दोस्त, दरवाजा खोलो। आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? अगर इतना दर्द है तो बाहर क्यों नहीं आते? प्रीतम एक बार दरवाजा खोलिए। हाँ प्रीतम, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। दरवाजा खोलो। हाथ मत लगाना मुझे। पर क्यों करण, क्या हुआ? हाँ? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाथ मत लगाना मुझे। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ प्रीतम। नहीं तो मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। करण करण, दरवाजा मत खोल। प्रीतम प्रीतम प्रीतम, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? माय गॉड, माय गॉड। ये क्या हो गया तुम्हें प्रीतम? ये कैसी हालत हो गई है? लगता है हमें हमें प्रीतम को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। चलो प्रीतम चलो। कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है मुझे। कुछ तो करो करण, प्लीज इन्हें ले चलो। प्लीज हेल्प मी। प्रीतम तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कहीं ना कहीं तो लेकर जाते हैं। प्रीतम हमारे साथ चलो, यहाँ छुप कर बैठना क्या फायदा? ठीक है, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ना छुप कर ले जाओ वरना वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे। बोलो कौन लोग? मैंने ही आपको फोन किया था बाबा, प्लीज हमें बचा लीजिए बाबा, हमारी मदद कीजिए। घबरा मत, ठीक करते हैं। बैठा मैं नहीं बैठूंगा। बैठ जाओ गुरुजी, सब ठीक करते हैं। गुरुजी आप लोग वहां पर जाकर बैठिए। ये चेहरा छिपा क्यों रखा है? वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे ना, इसलिए। कौन? तुम नहीं समझोगे। अच्छा हटाओ इसे। नहीं, मैं नहीं हटाऊंगा। मैं देख लूंगा, घबराओ मत। प्रीतम कपड़ा हटा दो, प्रीतम गुरुजी सब ठीक कर देंगे। घबराओ मत, मैं देख लूंगा सब। दो कपड़ा। ये हाथ ढक क्यों रखा है? कुछ नहीं, हाथों में बहुत दर्द है, और अगर नहीं ढकूंगा तो वो लोग आ जाएंगे। दिखा मुझे, मैं देख लूंगा उन लोगों को। दो। नहीं, मैं नहीं दिखूंगा।
तुम हाथ दिखा दो। तुम कौन मार डालेगा तुम्हें? दिखाओ गुरुजी को, दिखाओ। नहीं तो दिखाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? दिखाओ। कोई आ जाएगा? कौन आ जाएगा? प्लीज तुम अपना हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ, डरो मत। देखो देखो अंदर तो जाएगा। मैंने कहा ना बाहर कोई नहीं है। चाहिए आप लोग? चाहिए ना? क्या हुआ गुरुजी? आप क्यों चिल्ला रहे गुरुजी? क्या हुआ? इसे लेके जाओ, लेके जाओ उसे यहाँ से। मैंने ऐसी भयानक चीज आज तक नहीं देखी, आज तक नहीं देखी मैंने ऐसी भयानक चीज। गुरुजी प्लीज बचाइए ना। इसकी कोई मदद नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इसकी मदद। इसको ले जाओ, ले जाओ इसको यहाँ से, इसको ले जाओ, ले जाओ इसको। हर दुख का इलाज होता है, कोई भी दुख इससे परे नहीं होता, लेकिन वो इलाज यहाँ नहीं, हमारे अतीत में छिपा है, हमारी पिछली जिंदगी में। और हमें कि उसे यहाँ ढूंढते रहते हैं। अभी भी कुछ आवाजें मुझे बुलाती रहती है, बिना बात के मुझे पुकारती रहती है। यामिनी मेरे पास आ, अपने साथ आने को कहती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या ये आवाजें मेरी अतीत से जुड़े हुए हैं? देखो यामिनी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो एक आवाज जो तुम्हें सुनाई देती है वो तुम्हारे अतीत से है, और उस अतीत को ढूंढने के लिए तुम्हें उन शक्तियों को और भी करीब से जानना होगा। कुछ दिन पहले वो मुझे दिखी थी। कौन? वही जो मुझे बुलाती है। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ना? हाँ, पर आपको कैसे मालूम? वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं है। तो कौन है वो? मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन है वो? वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। मेरी जुड़वा बहन? ये आप क्या कह रही है? नहीं, मेरा तो बस एक छोटा भाई है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे असली माँ बाप हैं? मतलब क्या मतलब है आपका कि मैं? मेरा गणित ये कहता है यामिनी कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं है। और जिन नेक लोगों के साथ तुम रहती हो ना, उन लोगों ने तुम्हें सहारा दिया है, जन्म नहीं। क्या यामिनी, तुम्हारी जुड़वा बहन ढूंढ रही है तुम्हें, आवाजें दे रही है, तुम तक पहुंचना चाहती है। मैं भी उससे बात करना चाहती हूँ, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। तुम उससे ना ही मिलो तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नेक नहीं है, उसके पापों का घड़ा इतना बड़ा है कि उसका कोई अंत नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हेलो, हाँ राघव। और फिर मैंने उसका हाथ देखा, एक एक ऐसी चीज मुझे दिखाई दी उसके हाथ पे जिसे किसी इंसान ने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा। क्या था उसके हाथ में? डर के मारे कांपने लगा था मैं।
ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। आखिर था क्या वो, ये तो बताइए। एक लड़की का चेहरा, औरत का चेहरा हाथ पे, मतलब कोई टैटू था? नहीं, टैटू नहीं था वो। वो चेहरा खाल के नीचे से ऊपर आ रहा था। जिंदा था वो चेहरा, जिंदा था। चेहरा जिंदा था, ये आपको कैसे मालूम हुआ? बहुत तकलीफ में थी वो लड़की, खून के आंसू रो रही थी, खून की बूंदें निकल रही थी उसकी आंखों में से। आपकी आंखों के सामने? हाँ, और तब से मुझे भी अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, दर्द में चिल्लाते हुए लोगों की आवाजें। न जाने किस भाषा में बात करते हैं वो लोग। इतनी जल्दी डर गए, अभी तो कई चीखें सुननी बाकी है। उस आदमी का हाथ देखो जाके, देखो वो रोता हुआ चेहरा अभी भी है क्या हाथ पे? क्या नाम बताया था आपने उस आदमी का? प्रीतम। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? लगता तो ऐसा ही, लेकिन फिर भी अपने कैमरा ऑन कर लो। बेचारा प्रीतम बहुत ही अच्छा आदमी था। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, कुछ ही दिन पहले मिला था। बेचारा अच्छा आदमी था। क्या हुआ प्रीतम को? कल रात मौत हो गई उसकी। हम तो आए थे यहाँ प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने के लिए, मगर हाथ तो चद्दर के अंदर है। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी देर बैठते हैं, लाश को जब शमशान ले जाएंगे तो शूटिंग करने की कोशिश करेंगे। क्या हो रहा है?
नहीं हो सकता। ये भाग क्यों रहा है? यामिनी तुम यहीं रुको, प्रीतम के हाथ की शूटिंग करने की कोशिश करो, हम पता लगा के आते हैं। चलो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रीतम मर चुका है, उसकी आत्मा नहीं हो सकती, ये मेरा वहम है ये। बात क्यों रहे हो? बात क्या है? मुझे जाने दो। बात क्या है? वहाँ एक मरी हुई अंग्रेज औरत हाथ में कब्र का पत्थर लिए वहाँ खड़ी, वो मुझे मुझे मरी हुई अंग्रेज औरत। हाँ हाँ, यकीन नहीं आता, वो देखो कहाँ? हाँ मेरे साथ, वो यहीं यहीं थी। वो यहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहाँ पर खड़ी थी। उन मेरा दोस्त प्रीतम वो अंदर था, वो मुझ पर हंस रहा था जोर जोर से, जोर जोर से। पर प्रीतम तो अंदर मरा पड़ा है। हाँ वो मरा है, पर उसकी आत्मा मुझे देखकर हंस रही थी जोर जोर से। मैं कसम खाता मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो वहां था और वो यहीं खड़ी थी, वो मुझे। प्रीतम मर चुका है, अंदर कोई नहीं था। कोई नहीं था अंदर। I'm sorry. वो शायद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। I'm really sorry. I'm sorry. तुम्हें क्या लगता है अर्श, क्या इसे वाकई में प्रीतम की आत्मा दिखी होगी? शायद, पता नहीं। चला गया वो? हाँ चला गया, बहुत घबराया हुआ था बेचारा। तुमने प्रीतम के हाथ की शूटिंग की? हाँ पास से की, पर उसके हाथ पे कुछ नहीं दिखा। कुछ नहीं दिखा? लेकिन उस दिन तो गुरुजी ने कहा था कि प्रीतम के हाथ में उन्होंने एक लड़की का चेहरा देखा था। अभी पूछ लेते गुरुजी से। हेलो हेलो, मुझे गुरुजी से बात करनी है। वो नहीं, कहाँ गए? वो अस्पताल गए हैं। क्यों? वो बीमार हो गए हैं, उनके हाथ में बहुत तेज दर्द था। कौन से अस्पताल में? इस दर्द का कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, और सहन नहीं होता है। यहाँ पे दर्द है? चेहरा किसका? कौन सा चेहरा? मेरी हथेली पर। मेरी हथेली में कोई चेहरा नहीं। ये तो वही चेहरा है जो कैसी आवाज है? अरे कौन किस बात का? मैंने भी सुनी है, कहाँ पर जब पीता आया था
तुमने देखा नहीं कौन बोल रहा था? कुछ था कोई भी दे दिया था। आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। रुको रुको, मैं पेन किलर लेकर आता हूँ। क्या कर रहे तुम? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसीलिए टूटो मारेगा, जो भी मारे हट करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अकल हो तो क्या? कौन है? मुझे माफ कर दो, मैं इसे नहीं मारना चाहता था, पता नहीं ये कि तुम कौन हो? तुम कौन हो? आगे मत, आगे मत बढ़ना, कदम छोड़ना। क्लिनिक तो ये, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट, कौन? फोन की आवाज तो यहीं कहीं से आ रही। शायद हाथ। मुझे लगता है इन सब मौतों का संबंध हाथ से। हाथ से? कैसे? देखो, ये सब कहां से शुरू हुआ? जब गुरुजी ने प्रीतम के हाथ में एक लड़की का चेहरा देखा, राइट? राइट। और प्रीतम के हाथ में भी तो दर्द हुआ था, इसीलिए तो गया था वो गुरुजी के पास। इससे पहले कि हम प्रीतम से मिल सकते, वो मारा गया। और जब मैंने गुरुजी के घर पे फोन किया तो उसके आदमी ने मुझसे कहा कि गुरुजी के हाथ में दर्द है, इसीलिए वो हॉस्पिटल गए। और फिर गुरुजी की भी मौत हो गई, साथ साथ उस डॉक्टर की भी मौत हो गई जिसके पास वो गए थे ट्रीटमेंट के लिए। पर प्रीतम का हाथ मैंने देखा था, कोई चेहरा नहीं था उसके हाथ पे। यार यही तो समझ में नहीं आ रहा, जब चेहरा था ही नहीं हाथ पे तो फिर गुरुजी ने ये बात कही क्यों हमसे? चेहरा बना था चेहरा, बस हमें दिखाई नहीं दिया। अगर प्रीतम और गुरुजी जिंदा होते तो कुछ पता चल सकता था उस हाथ पे बने चेहरे के बारे में। अगर प्रीतम और गुरुजी की मौत के साथ साथ ये हाथ का भी सीक्रेट हमेशा के लिए चला गया। हवेली तो वाकई बड़ी शानदार है, बनाने वाले ने भी किस कशिश से बनाई होगी। कोई है?
जरा जोर से खड़काओ। लगता कोई है नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक कोई ना कोई अंदर रहना चाहिए। कोई है? अरे यार, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया यार? ये अंधेरा अपने आप कैसे हो गया? अरे यार कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलो। अरे कोई टॉर्च लेकर आया साथ में क्या? अरे यहाँ क्या पता था कि दिन में रात हो जाएगी। अरे यार अजीब हमें लिए यार, अजीब अजीब चीजें हो रही है। ये देखो एक अचानक अंधेरा हो गया और ये दरवाजा अचानक खुलता है अचानक बंद हो जाता है यार। ये तो मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ आत्मा है। अरे जा जा देख कहीं स्विच वगैरह होगा, लाइट ऑन कर ढूंढ। हाँ हाँ से पहले इस हवेली की सफाई करनी पड़ेगी। सो तो है, चलिए ऊपर देखते हैं। इतनी बड़ी हवेली है, इतने रूम, जितना फर्नीचर, देखते हैं क्या बनती है नीलामी। हाँ चले चलिए चलिए चलिए। ये कौन है? ए रिकॉर्ड में जिसके बारे में लिखा था चाहिए वही आदमी है। अरे निकाल इसको बाहर। ए चल उठा उठा उसको। ए ए ए उठ रे उठ 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 मेरा घर कहता है आप कि इस धरती पर अब तुम्हारे माँ बाप जिंदा नहीं, और जिन लोगों के साथ साथी बैठे हो उन लोगों ने सहारा दिया, जन्म नहीं। वो तुम्हारी अंतरात्मा नहीं, वो तुम्हारी जुड़वा बहन है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। Good morning, बेटा। Hi, दीदी। Sure, sure. Of course, you. Okay. Bye, bye. Good morning. Good morning, बाप। क्या बात है बेटा? यामिनी, तुम नाश्ता क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं पापा। पापा मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। मैं कौन से शहर में पैदा हुई थी? पंचगनी। नासिक। वो क्या है ना, मैं चाहती तो बहुत थी कि तुम पंचगनी में पैदा हो, लेकिन तुम्हारे पापा नासिक में थे तो तुम नासिक में पैदा हुई। नासिक में कौन सा हॉस्पिटल था पापा? पापा मैंने आपसे कुछ पूछा
कौन सी हॉस्पिटल में? क्यों बेटा, ये सब अचानक क्यों पूछ रही हो? आज तक ये बात तो इस घर में निकली नहीं। नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसे। अरे सुन बेटा, नाश्ता। पता नहीं क्या हो गया इसे। इसे कहीं इस बात के बारे में पता तो नहीं चला? मतलब कि करण ने भी प्रीतम का हाथ पकड़ा था, यानी कि अगर ये मौत हाथ के छूने से फैल रही है तो शायद करण की मौत आती ही होगी। बता सकता है कि हुआ क्या था। इंग्लिश का प्रोफेसर है यहाँ पर, शायद अपनी क्लासरूम में हो। चलो देखते हैं। विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। एक इंसान को अपने आप पर कितना तरस आ सकता है, उसके अंदर की आग उसे किस हद तक जला सकती है, इस पर एक टिप्पणी है। आत्मग्लानी यानी कि गिल्ट, ये गिल्ट ही वो ये क्या मतलब इसी है? तुम सब लोग ने मिलकर प्लान किया ना, ये सब ने मुंह पर खून कैसे लगा दिया? मैं प्रोफेसर के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, तुम सबकी खैर नहीं। गुरुजी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये आवाज मां से। सर, सर, करण सर, एक मिनट रुक जाओ। करण,
करण, करण उठो करण, करण। राघव, उसके हाथ को मत छूना। उठाओ इसे, उठाओ। मेरा हाथ। डॉक्टर, डॉक्टर कुछ करो। मैं ऐसा नहीं जी सकता। डॉक्टर कुछ करो। डॉक्टर। नर्स, ये बी मेटर टेबलेट्स हर 3 घंटे मैंने देती रहना। तुम जल्दी से इंजेक्शन तैयार करो, मैं पल्स चेक करता हूँ। कितनी बार आपसे कहना पड़ेगा डॉक्टर कि इसके हाथ को मत छूना? आप समझते क्यों नहीं? हर्ष, डॉक्टर साहब प्लीज। कमाल है, अजीब हैं आप लोग। इलाज भी करवाना है और हाथ छूने भी नहीं देते। ठीक है, जो करना है करिए, लेकिन इतना याद रखिए, ये अंधविश्वास मैं यहां पर चलने नहीं दूंगा। आप प्लीज इन्हें यहां से लेके जाइए। आप हर किसी को करण का हाथ छूने से मना क्यों कर रहे हैं? सब कुछ बता देंगे हम आपको, सब कुछ। पर पहले आप हमें ये बताइए कि पिछले 1-2 दिनों में आपने करण का हाथ छुआ था? नहीं, पिछले 1 हफ्ते से तो मैं पूना में थी। आप लोगों ने फोन किया, बस अभी आई हूँ मैं। डॉक्टर को बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर, कुछ करो, मेरा हाथ। क्या हुआ डॉक्टर पीछे हट जाइए। इसके हाथ को कोई नहीं छुएगा।
खाना खाओगे? डरो मत, बैठो, बैठ जाओ। घबराओ मत, बैठो। शुरू करो। अंकल, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आप इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं यहाँ अकेले नहीं रहता, मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ रहता हूँ। कहाँ है वो? तुम्हारे सामने ही तो बैठी है, सौसिया। अरे खाना तो खाते जाओ। चला गया। तुम भी जा रही हो? करण, ये वही औरत, वही अंग्रेज औरत। कौन सी औरत? वही औरत जो मुझे उस दिन प्रीतम के घर के बाहर दिखी थी, ये वही औरत है। वो गुरुजी भी यही कह रहे थे ना कि उन्होंने प्रीतम के हाथ पे एक औरत का चेहरा देखा था। कहीं वो? ये तभी से शुरू हुआ जब मैंने उस दिन प्रीतम का हाथ पकड़ा था, तभी से मुझे मुर्दे दिखने लग गए, अजीब अजीब आवाजें आने लग गई, और मेरा ये हाथ इतनी जोर से दर्द होने लग गया। ये क्या हो गया मुझे? डॉक्टर, आप कुछ करते क्यों नहीं? बचाओ मुझे। ऐसा तो कुछ कीजिए। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, आप ही मुझे बचा सकते हो डॉक्टर साहब, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। वो वहाँ क्या है? वहाँ वो औरत कहाँ है? औरत मुझे मार डालेगी। लेकिन कैमरा में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो औरत? ये किससे डर रहे हैं आप? वही औरत है वापस। मुझे बचा लो प्लीज। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे क्यों मारना चाहते हो? बचाओ मुझे। नहीं, मुझे मत मारो, मेरे करण को छोड़ दो। तुम जो भी हो मेरे करण को छोड़ दो प्लीज। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तो किसी राजकुमार अभिमन्यु को नहीं जानता। मरते मरते क्या कहा इसने? राजकुमार अभिमन्यु, मतलब ये मौतें किसी राजकुमार अभिमन्यु की वजह से हो रही है। पर आखिर कौन हो सकता है ये राजकुमार अभिमन्यु, और ये अंग्रेज औरत से उसका क्या लेना देना? पहले प्रीतमगढ़ में सौसिया नाम की एक इटालियन औरत घूमने गई थी। वहां के राजकुमार अभिमन्यु से उसे प्यार हो गया। चोरी चोरी दोनों ने शादी कर ली।
पर राजा चाहता था कि राजकुमार अभिमन्यु की शादी राजकुमारी देवयानी से हो, इसीलिए राजा ने राजकुमार को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया और इटालियन औरत सौसिया को किसी कब्रिस्तान में दफना दिया। ओह, तो ये बात है, मतलब कि वो सौसिया का ही चेहरा जो लोगों के हाथ पे आता रहता है और वो सौसिया की आत्मा है जो लोगों को मार रही है। लेकिन उसने प्रीतम करण जैसे लोगों को क्यों मारा? वो लोग तो मासूम लोग थे ना, धोखा तो राजा ने दिया था। लेकिन ये आत्मा हाथ पे ही क्यों आती? ये हाथ वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। ये देखो, यहाँ पे लिखा है कि राजा ने पहले उसे बेहोश किया था, उससे हाथ मिलाकर। हाथ मिलाकर बेहोश? राजा ने अपनी अंगूठी पर जहर लगा रखा था। जैसे ही सौसिया ने राजा से हाथ मिलाया तो जहर के असर से वो बेहोश हो गई और बेहोशी का फायदा उठाकर राजा ने हाथ मिला के सौसिया के साथ धोखा किया। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो हाथ दोस्ती का नहीं था, पर इसीलिए शायद ये मौत का खेल हाथ मिलाने से फैल रहा है। इस इटालियन औरत की आत्मा को अगर हमें कैमरा में लाना है तो हमें वही जाना होगा, प्रीतमगढ़। यामिनी, तुम्हें लगता है कि राजकुमार अभिमन्यु अभी भी होगा वहां पे? शायद हो। अगर वो वहां होगा तो आत्मा भी उसके आसपास ही होगी। जगह की हालत देख के तो नहीं लगता कोई रहता होगा यहाँ, वो भी राजकुमार। राजकुमार अभिमन्यु से मिलना चाहते हैं। मैं ही हूं अभिमन्यु। तुम लोग हवेली को नीलाम करने आए हो? नहीं तो हम सौसिया के बारे में पूछना चाहते हैं। सौसिया? क्या काम है उससे? हम ये जानना चाहते हैं कि सौसिया की मृत्यु कब हुई। किसने कहा तुम्हें उसकी मौत हो चुकी है? वो जिंदा है, यही ऊपर अपने कमरे में।
mehr. Du hättest mich in Ruhe lassen sollen. Abhimanyu und ich, wir bleiben zusammen. Ich will alles. Ich will alles und ihn. Raka? Raka! Kya hua? Baat kya hai? Harsh? Sofia? साजिया, ये लोग क्या कह रहे हैं? मेरे बाप अंगद ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसका बदला तुम इन लोगों से ले रही हो। क्यों तुम मासूम लोगों की जान ले रही हो? जवाब दो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। जब मैं तुम्हारी मौत के बावजूद तुम्हारे साथ रह सकता हूं तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? Nicht verschonen. Abhimanyu bleibt für immer bei mir. Dieser Kreis wird hier heute kein Ende finden. ठीक है, अगर यही तुम्हारी जिद है तो बस आज से तुम्हारा और मेरा साथ खत्म। मैं अभी जाकर वो अंगूठे निकालता हूं जिससे मैंने तुम्हें अपना बनाया था। जल्दी से अपने कैमरे चेक करो, देखो कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। सौसिया के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमें भी अभिमन्यु के पीछे जाना होगा कब्रिस्तान में। वो देखो राजकुमार अभिमन्यु। राघव, यामिनी, अपने कैमरे ऑन रखना। अब शायद यह हमारा आखिरी मौका होगा सौसिया की आत्मा को रिकॉर्ड करने का। चलो। समझ में आया, पिता की मौत के बाद उनके मंत्री भी एक के बाद एक क्यों मर रहे हैं। हाथ के जरिए फैला रही है वो ये मौत। उसने ये सब मेरे लिए किया ना, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा। अंगूठी उतार कर ये किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अभिमन्यु वो आ रही है। जल्दी से अंगूठी निकालो, वो आ रही है। अगर उसने तुम्हें मार दिया तो फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा ये मौत का खेल। नहीं निकल रही अंगूठी, नहीं निकल रही है। ये लो, इसे काटो। What?
भी हमें जुदा नहीं कर पाई, पर अब हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। राघव, राघव चेक करके देखते हैं कि कुछ रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। यस, फाइनली। कैमरे में रिकॉर्ड हो गई वो औरत। बिना रिकॉर्ड किए आज तक कभी टेप दी है हमने? इसी तरह मन लगा के काम करते रहे तो बहुत जल्द तुम लोगों को भी वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए। चलो अच्छा हुआ सौसिया तो मुक्त हो गई, कब से भटक रही थी बेचारी। ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने मुक्त करा दिया आत्मा को, इन्हें क्या पता कि अब वो बेचारी और भी तड़पेगी। लो, ये फिर भागा अपने बॉस के कमरे की तरफ। फिर से वही आवाजें आएंगी चीखने की। माओ का वीडियो देखकर चीखता क्यों है लूसीफर? नहीं, मैं अकेला नहीं रहूंगा यहाँ पर। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ पर। इतना डर लग रहा है तो यहाँ नौकरी क्यों की? क्या करता मैं, और कोई नौकरी भी तो नहीं मिली मुझे। मुर्दा देखा है कभी? नहीं। देखेगा? नहीं। देख ले, तेरे दिल का डर हमेशा के लिए निकल जाएगा। नहीं कुंदन, नहीं 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 मत बोलो, नहीं नहीं कुंदन मत बोलो उसे। ये खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं मुर्दे ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? मुर्दा तो मर चुका है, वो कैसे पकड़ेगा? मुर्दे कुछ भी कर सकते हैं। मुर्दा तो लेटा हुआ है। नहीं मत कर, नहीं जब मैं यहाँ पे पहली बार काम पे लगा था तो मुझे भी बहुत डर लगता था, धीरे धीरे आदत बन जाती है। मालूम है मुर्दे हंसते हैं रोते हैं लेकिन मैं चुप रहता हूँ। मुर्दे हंसते हैं? हाँ, अगर तुझे कोई मुर्दा हंसता हुआ या रोता हुआ दिखाई दे तो कुछ मत करना, चुप रहना। हाँ, लेकिन ये मरा कैसे? खून हो गया है इसका और दूसरी लाश आ रही है। सुना है अगर कोई उस लाश की हालत देख ले तो बेहोश हो जाएगा। क्या है इस लाश में? ना तो कुछ पूछ ना ही कुछ देख, चुपचाप इसे लेकर निकल जा। मैं ही जानता हूं मैं इसे लेकर कैसे आया हूं। आवाज कैसी आवाज? पता नहीं, शायद नीचे से आई है। चाय पी कर आता हूँ। कुंदन कुंदन, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे तू अकेला कहाँ है? मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, मैं अकेले यहाँ मर जाऊंगा। देख एक बार हिम्मत कर, अगर आज तू यहाँ अकेले नहीं रुका ना तो फिर कभी नहीं रुक पाएगा। चल एंट्री कर, मैं आता हूँ 15 मिनट में। तो
क्या हुआ? पांच लाख की गाड़ी और इस तरह रास्ते में बंद। पहले ऐसे कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं। गॉड, रात के दो बज रहे हैं, कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी से लिफ्ट मांग ले। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतनी रात में किसी से लिफ्ट मांगोगी? और वैसे भी ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। विनी, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, हम सारी रात यूं ही बिता नहीं सकते ना। डैम, मेरा फोन भी नहीं लग रहा है, बैटरी डेड हो गई है। मेरा फोन देखे, मेरे फोन में भी बैटरी चली गई है। दोनों के फोन की बैटरी एक साथ चली गई है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तू कार में बैठ, मैं कुछ करती हूँ। मैं देखती हूँ कुछ। अब कर सकती है? ट्राई करके देखता हूं। बहुत गहरा धक्का लगा है। विनी,
विनी बेटा, विनी देखो ये लोग तुमसे मिलने आए। छोटो दो पाव दे यार। अरे साहब करी पाव भाजी तो फाइव स्टार होटल जैसी होती यार। एकदम असली बटर लगाया है साहब, और इस बार तो ऐसा मसाला डाला है कि उंगलियां तक चबा जाओगे मस्का लगा के। क्या बात कर रहा है। हाँ साहब। अरे यार जल्दी खत्म कर तेरी पाव भाजी, कहीं ऐसा ना हो कि वो बिना सर वाला आदमी यहाँ आ जाए। बिना सर वाला आदमी? हाँ वही, कुछ दिन पहले एक लड़की को उठा के लेके गया था। अरे तुझे नहीं पता? यार सब बकवास है, बिना सर वाला आदमी कभी होता है क्या? इसने ऐसी दुश्मनी निकाली तो खाना खा। पीछे बाजार, वहां पर तो किसी को नहीं देखा था बिना ड्राइवर का ऑटो, और इस तरफ मॉल। मतलब वो ऑटो यहां से आया होगा सामने से। पर ये आदमी है कौन और ऑटो में क्यों घूम रहा है? पता नहीं ये ऑटो है भी या नहीं, मुझे तो लगता है ये जरूर विनी का भ्रम है। इतना बड़ा धक्का लगा है उसे तो शायद वैसे ही कुछ उल्टे सीधे ख्याल आ गए रहेंगे उसके दिमाग में। नहीं, उसे ऑटो जरूर देखा होगा, तभी तो उसके दिमाग में बैठ गया है। हादसा जितना भयानक होता है उसे दिमाग से निकालना उतना ही मुश्किल। ऑटो की आवाज, कहीं वो आ तो नहीं गया? इधर आओ।
ड्राइवर के रिक्शा। सरकटा आदमी। सरकटा आदमी, आपने देखा उसे? हाँ, देखा उसे। वो ढूंढ रहा हो? ढूंढ रहे? किसे ढूंढ रहे? वो लाल कपड़े वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो। देखो वहां तो शायद उस लड़की को लिफ्ट चाहिए। छोड़ो ना यार, पता नहीं कौन है। अरे एक बार पूछ तो लेते हैं, शायद किसी मुसीबत में ना हो। गाड़ी रुको प्लीज, प्लीज गाड़ी रुको। सर, मैम, मुझे प्लीज डीके हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, प्लीज। सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब हुआ क्या है? मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे जल्दी कार से धक्का मार दिया। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, प्लीज। ठीक है, हम तुम्हें हॉस्पिटल तक छोड़ देते हैं, बैठ जाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं बोला ना, मैं तेरे तूने बोला ना तू मेरी बात सुन। मैं बोला ना मैं नहीं आएगा, मेरा छुट्टी। तू बोले देख, मैं बाद में फोन करता तेरे को, तू फोन रख चल। बड़ी अजीब बात है, रिया और जग्गू दोनों को इसी इलाके में मारा उसने। मतलब वो सिर्फ यही के लोगों को अपना निशाना बना रहा है। और मतलब के वो लाल कपड़ों वाली लड़की भी इसी इलाके में होनी चाहिए। छोड़ दे मुझे। वो लड़की कहाँ है? मैं चोरी नहीं करूंगा। लड़की कहाँ है? वो लाल कपड़े वाली।
राघव तुम ठीक तो हो ना? हाँ चलो। उस ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था वो। आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया इस कटे आदमी ने, अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। डरावनी किस्म की आवाज में वो चिल्ला रहा था सर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अपना मुंह पानी में डालकर चिल्ला रहा हो सर। हाँ सर, सर जब वो बात कर रहा था तो खून के फवारे निकल रहे थे, खून के फवारे थे सर, खून की आवाज थी, चारों तरफ खून ही खून था, खून की आवाज थी। पूरे शहर ने देख लिया उस आदमी को, लेकिन तुम लोगों को नहीं दिखावो। सामने आएगा तो दिखेगा ना। ये बात उसे कौन बताएगा? उसे, मुझे उसे जवाब देना पड़ता है। वो है कौन? इतने दिन हो गए यहाँ काम करते करते और आज ये सवाल पूछा कि कौन है वो? हमने तो कभी देखा नहीं उसे। देखोगे भी नहीं जब तक वो नहीं जाएगा। पर आखिर वो है कौन? फिर कभी नहीं पूछना। आत्माएं भी कांपती है उसके नाम से, तुम तो क्या चीज हो? उसे क्या जवाब दूंगा? उसे शक्तियों का शॉट चाहिए, शक्तियों की पिक्चर चाहिए उसे। क्यों चाहिए उसे? वो किसी लाल कपड़े वाली लड़की के बारे में पूछ रहा था और उसकी आवाज में बहुत बहुत गुस्सा भरा था। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो, लाल कपड़े पहनकर जाएगी। और अगर यामिनी का सिर काट दिया तो? आत्माओं से लड़ाई जीतनी है तो कुर्बानी देनी ही होगी। बचाओ! नहीं, नहीं जाएगा वो। लाल कपड़ों वाली लड़की को ढूंढ रहा है वो, लाल कपड़े पहनकर जाएगी। यामिनी जरा संभल के, ये खतरनाक भी हो सकता है। मालूम है, पर हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है ना? आए तो सही, वो आएगा, जरूर आएगा। सारे हादसे इसी इलाके में हुए हैं रात के वक्त, वो यही ढूंढ रहा है उस लड़की को। यामिनी संभल के चलो।
रहा सिर वाला आदमी? वो भी चल रहा है हर्ष, चल रहा है। यमिनी भाग, तू नहीं बचेगी, नहीं बचेगी तू। यमिनी चल, रिक्शा के पीछे निशान देखा तुमने? निकल गया हाथ से। ऐसे कैसे जाने देंगे, चलो। हर्ष, मुझे बड़ी चिंता हो रही है, कहीं यामिनी को कुछ हो ना गया। चिंता करने से कुछ नहीं होगा राधा। अगर हमें वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई जिसे वो बिना सिर वाला आदमी ढूंढ रहा, तो शायद उसके जरिए हम यामिनी तक पहुंच सकते हैं। अपना कैमरा ऑन करो, लगता है वो आत्मा यहीं गई है। हर्ष, ये धूल। ऐसा लग रहा है कि ये रिक्शा यहां पर कई दिनों से पड़ी हुई है। हर्ष, टायर पंक्चर है। चल अंदर चल कर देखते हैं, शायद यामिनी अंदर हो। उससे मैं नहीं छोड़ूंगा, ये आत्मा वात्मा से डरता नहीं हूं। चलो चाहिए। ये क्या चाहिए, मतलब क्या? ये ऑटो अभी अभी कोई चला के लेके आया, ये यहाँ क्या कर रही है? ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं पर है। कुछ दिनों से? हम अभी अभी इस ऑटो का पीछा कर रहे थे, इसमें एक बिना सिर वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है, इसे चलाने वाला तो मर चुका है। कुछ लुटेरों ने कुछ दिन पहले मेरे पति और उनके साथ ऑटो में बैठे हुए एक आदमी को मार डाला। फिर? जब मैं हॉस्पिटल गई थी उनकी लाश लेने, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि सिर्फ मेरे पति ही मरे हैं, उनके साथ और कोई नहीं था। भला लुटेरे गरीब ऑटो वाले को क्यों मारेंगे? कहीं ये वही लाश तो नहीं जो ऑटो में घूम रही है? क्या, ऑटो में लाश घूम रही है? ये कैसे हो सकता है, ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है। ये यही पर। हर्ष, ये ऑटो घूम रहा है यार, अभी अभी तो इसका पीछा करते हम आए। ये ऑटो घूम रहा है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये ऑटो तो पिछले कुछ दिनों से यहीं खड़ा है, मैं कह रही हूँ ना। मतलब ये ऑटो भी एक आत्मा है? ये हादसा कहाँ पे हुआ? बादली इलाके में, एक लड़की और उसका गैंग है जो रात को लोगों को लूटते हैं, और शायद मेरे पति भी उन्हीं का शिकार हुए हों। बादली तो वही जगह है जहाँ पर उसने रिया और पाव भाजी वाले को मारा था। We'll be right back.
की तो नहीं? काश वही है। Excuse me. Please, रुकिए। वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मेरी कार की डिक्की में जैक भी नहीं है। आप लोग प्लीज मेरी मदद करेंगे? I'm sorry. हमारे पास भी जैक नहीं है। इतनी बड़ी गाड़ी चलाते हो और जैक भी नहीं रखते? हाँ? चलो उतर, हिंदी में समझाऊं क्या? उतर, उतर नीचे। चल। जैक नहीं है इसके पास, है? चल। ये तो वही रिक्शे वाला है। ये तो जा रहे हैं। चल पीछा करते। हर्ष, ये देखो खून भरे कदमों के निशान। लगता है वो यही है, बिना सिर वाला आदमी। हर्ष, ये देखो घसीटने के निशान भी है। शायद उसे वो लाल कपड़े वाली लड़की मिल गई है। हर्ष, हमें उस लड़की को बचाना होगा। मैंने लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। हर्ष, चलो देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। इतनी रात का कौन आ गया? दरवाजा खोलो।
बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है ना ही वो लड़की। हर्ष, ये पैरों के निशान उस तरफ जा रहे हैं। चलो हर्ष, ये निशान तो यहां पर आके खत्म हो गए, पर वो लड़की और बिना सिर वाला आदमी आखिर गायब कहां हो गए? ऑटो में ड्राइवर था ही नहीं, बिना ड्राइवर का ऑटो चल रहा था। वो आदमी बिना सिर वाला था। हमारा जीना हराम कर दिया है इस सरकटे आदमी। अब तो हमें घर से निकलने में भी डर लगता है। हाँ, और जब उन लुटेरों को पता चला कि विनी पागल हो गई, उन्होंने एक नई लड़की को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। उस आत्मा ने विनी से बदला लिया, ये बात समझ सकता हूं, पर अपने बदले की आग में हर्ष वो यामिनी को क्यों निकल गई? क्या जवाब देंगे उसके मॉम डैड को? मैं आत्मा बन गई हूं। तुम चाहो तो मेरा शॉट ले सकते हो। नहीं यामिनी, प्लीज ऐसा मत कहो। यामिनी तुम जिंदा हो? लेकिन वो आदमी तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम वापस कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ ऑटो में जाने के बाद। बस आज सुबह जब मेरी आंख खुली तब मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में थी। बड़ी अजीब बात है, उसने तुम्हें मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो उन्हीं को मार रहा था जो उसकी मौत के जिम्मेदार थे। सिर्फ उन्हीं से बदला ले रहा था वो।
इस बार रिकॉर्ड हुआ। हाँ। हुआ। अभी अभी लेकर आता हूँ उसको। मैं दे दूँ उसे? बहुत ही खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ से जाना नहीं, और भी बहुत सारी आत्माएं बाकी हैं जिनका शॉट लेना है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।